18 साल में 17 साल नहीं याद आई जनता जनार्दन की न लाडली की, आज याद आ रही है। टाफी देके और जनता को गुमराह करेंगे। जनता जाग चुकी है और जनता जमानत जब्त कराएगी, खासकर मनगमा क्षेत्र। बहना योजना तो ये एक चुनावी जुमला है। यहाँ कांग्रेस की सरकार 500 में जीरो है, गैस मिल रहा है। यहाँ भी सरकार आएगी तो 500 में गैस देगी हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 3600 रुपए प्रति क्विंटल हमारी आगे 2500 तो हम ऑलरेडी वहाँ खरीद रहे हैं। 3600 रुपए प्रति क्विंटल हम आने वाले समय में वहाँ की धान खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में सियासी जंग नकल के रूप में यात्रा चूहा बिल्ली के खेल से नहीं कम। आशीर्वाद यात्रा का स्वागत जन आक्रोश के रूप में। तस्वीरें भी ऐसी कि लोग हो रहे कंफ्यूज। जहां चुनावी वादे को लोग लालीपाप समझ रहे, वहीं अन्य दलों के सौगातों के विचार पर लोग पड़ रहे कंफ्यूज। क्या कहते हैं मनगवा के रहवासी और क्या कहते हैं कांग्रेस के लोग, आइए एक झलक सुनते हैं। मनगवा विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ में क्षेत्रीय लोग। 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 18 साल से ये सरकार है बीजेपी की, और 18 साल में 17 साल नहीं याद आई जनता जनार्दन की न लाडली की, आज याद आ रही है। टाफी देके और जनता को गुमराह करेंगे। जनता जाग चुकी है और जनता जमानत जब्त कराएगी, खासकर मनगमा क्षेत्र से। आपका नाम? और मेरा नाम मृगेन्द्र नाथ त्रिपाठी है, जनपद सदस्य। मृगेन्द्र नाथ त्रिपाठी, जनपद सदस्य। आपने ही जो विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली है, आप लोगों ने ही विरोध किया था, विरोध किया है गंगियों जनपद। बहना योजना तो ये एक चुनावी जुमला है। यहाँ कांग्रेस की सरकार 500 में जीरो है, गैस मिल रहा है। यहाँ भी सरकार आएगी तो 500 में गैस देगी हमारी सरकार। क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? भाई साहब गोबर खरीद रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है, 3600 रुपए प्रति क्विंटल हमारी आगे 2500 तो हम ऑलरेडी वहाँ खरीद रहे हैं। 3600 रुपए प्रति क्विंटल हम आने वाले समय में वहाँ की धान खरीदेंगे, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने घोषणा किया। मैं ये जो जन आक्रोश यात्रा निकली हुई है, इसके विषय में ये क्या है कि पूरे पब्लिक में ये आक्रोश है। और रही बात युवाओं की, युवाओं में तो खासकर ही बहुत ज्यादा आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर। माननीय खाना है कांग्रेस की सरकार बनाना। बाकी प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए पढ़ने लिखने के बाद, तो ये बताइए हमें प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना व्यापम में आदमी के एक वैकेंसी नहीं निकलती, और निकलती है तो इतने घोटाले हो रहे हैं व्यापम के, और वे घोटालों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने अनगिनत घोटाले हैं। और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बेरोजगार युवाओं को ये नौकरियां कहाँ से देंगे, जो कि नौकरियां हैं लेकिन इनको लाडली लक्ष्मी योजना जो कि ये चुनावी जुमला है उसमें देने के लिए इनके पास फंड है, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के लिए फंड नहीं है। बड़े सवाल तो यह उत्पन्न होने लगे कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जन आक्रोश यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई है। यहाँ पर भूतपूर्व कांग्रेस प्रत्याशी बबीता ने ये पूरी कहानी, और कहानी के बाद में क्या है अपील, आइए डालते हैं एक झलक। जन आक्रोश यात्रा का निकालने का मेन महत्व क्या है? जन आक्रोश यात्रा जो आज यहाँ आने वाले हैं, हमारे जो पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। जो जन यात्रा निकाली जा रही है, जन यात्रा आक्रोश यात्रा, इसमें जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम रोड में वो लूटी जा रही है, और जो चाहे ये लाडली लक्ष्मी योजना के बहाने से सीधे जनता को छला जा रहा है, उनको रिश्वत दिया जा रहा है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, 250 रुपये रक्षाबंधन में महिलाओं को दिया गया, आप भाई हो, आपके भी बहन है, 250 रुपये में राखी भी नहीं आती है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है।
इसी सब चीज़ों को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। जैसे 1000 रुपए ये दे रहे हैं लाडली लक्ष्मी बहना का, यानी कांग्रेस कोई चीज़ बोल देती है तो तत्काल ये लागू कर देती है, क्योंकि इनके पास हराम का पैसा है। टोटल नोटबंदी करके सबसे ज़्यादा का नोटबंदी में लाइन में कोई खड़ा हुआ था तो वो गरीब तबका का व्यक्ति खड़ा हुआ था नोटबंदी करके, और इनके पास सारे पूरा देश ये बेच रहे हैं वही पैसा देके, और देश को इतना बड़ा कर्ज के बोझ में लाद रहे हैं। वो कर्जा हम सब का है, हम सब का ही पैसा है जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है, जो हम इतनी महंगाई है, हम 200 रुपये 250 300 रुपये तक टमाटर हम खरीदे हैं, जीरा जो हम तड़का लगा देते हैं कि चलो हम तड़का लगा दिया और नमक हल्दी मिला के खा लेंगे, ये सारी चीज़ें जो महंगी हुई, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, ये सब महंगा हुआ, तो ये जो बहनों को पैसा दे रहे हैं तो शिवराज सिंह सरकार जो है वो लोन लेके पैसा दे रही है। हम सब, हम नहीं, हम तो हमारी उम्र हो गई, जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी कर्ज में जन्म ले रहा है। अगर आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी आती है तो मेन महत्व तो क्या रहेगा युवाओं के लिए? हमारी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, शम्मानी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हुए थे। हमारी जो सरकार है तो ढकोसला नहीं करती, दिखावा नहीं करती। शम्मानी कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम जो ये विज्ञापन, अभी मैं दिल्ली गई थी तो दिल्ली में मैंने देखा है, ऐसा कोई भी चौराहा ना हो जहाँ मोदी जी की फ़ोटो ना लगी हो, और जो वो कार्यक्रम था उनका तो वो जो 0 दिख रहा था 20 के जगह में, उसमें कमल की फ़ोटो दिख रही थी। तो ये सब इनका ढकोसला, हमारी सरकार ये सब नहीं करेगी। हमारी सरकार जब थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सारे विज्ञापन बंद कर दिए थे, यहाँ तक अपने जो मंत्री थे उनके मंत्रियों का खर्च बंद कर दिए थे, और ये था कि ये सब गरीबों पर हम देंगे। और कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया 15 महीने की सरकार में, जो 51,000 बहन बेटियों की शादी के लिए दिए, 300 से 600 रुपये दिए कमलनाथ जी के, ये देन भी कमलनाथ जी ने, अनेकों ऐसी योजना लेके आए, किसान का ऋण माफ़ी जो हो गया तो वो कमलनाथ जी ने किया, और यहाँ तक जो कमलनाथ जी सबसे बड़ी है कि पुलिस वालों को कभी छुट्टी नहीं मिलती थी तो कमलनाथ जी ने पुलिस वालों को छुट्टी देने का काम किया, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। और जब कमलनाथ जी की सरकार आएगी, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, और इस बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये जो सब हमारे नेता आ रहे हैं ये सब मंत्री बनेंगे, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो आज 18 साल से बैकलॉग की भर्ती नहीं हुई, अनुसूचित जात जनजाति, और खासतौर पर मैं मनियावा विधानसभा की धरती पे खड़ी हूँ, यहाँ पंडित श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, हर गांव में कम से कम, अगर वहाँ की आबादी होगी 300, अगर एक गांव में 300 लोग रहते हैं तो कम से कम 100 से 125 लोग नौकरी में हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे चपरासी हों। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारों को जो देने का काम करेगी वो रोजगार देने का काम करेगी, नौकरी देने का काम करेगी। तो इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। बने रहिएगा बिंद प्रेस टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।